राजगढ़ मध्य प्रदेश से इस वक्त की खास अपडेट आपके लिए लेकर हाजिर है। राजगढ़ में मंगलवार को धन्वंतरी जयंती के अवसर पर नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास, 12,850 करोड़ की चल रही स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण समेत अन्य परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। विधायक सहित राज्य मंत्री पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए। जिला अस्पताल में मंच बनाकर कार्यक्रम में राज्य मंत्री विधायक शामिल हुए। सभी अतिथि मंच पर बैठे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सोंदिया शिला पट्टी पर नाम नहीं होने से जमकर बिखरे। मध्य प्रदेश सरकार के दो राज्य मंत्री सामने नाराज हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चंद्र सिंह सोंदिया शिला पट्टी पर नाम नहीं होने पर बोले, विपक्ष के नेता हैं इसलिए अपमान होता है। शिला पट्टी पर नाम नहीं आने पर मौके पर भी मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंदिया ने कहा कि जबकि कोई लोकार्पण या शिलान्यास होता है तो कांग्रेस नेताओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी मुझे कार्यक्रम में आयोजित किया गया लेकिन जिला पट्टी पर मेरा नाम ही नहीं था। पंचायत अध्यक्ष इतना कहकर आम जनता के साथ जमीन पर जाकर बैठ गए, जिसे देखो मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम जी टेटवाल उठे और उनको मनाया और पंचायत अध्यक्ष के हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और मंच पर लेकर आए। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि अपने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और विधायक जयवर्धन सिंह से चर्चा की है। उन्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही है। अपमान ऐसे थोड़ी अपमान से हम भोपाल आए वहाँ बजाय विपक्ष के, इसका मतलब थोड़ी आप हर जगह अपमान करोगे। आइए आइए हम ऊपर आ जाइए। कैसे आ जाए शाम? आइए आप अगली बार हम ध्यान रखेंगे। आप आइए यही बैठूंगा। अरे इधर आइए अध्यक्ष जी बैठो। आप करो